जी हाँ नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आरएस न्यूज के एक और नए वीडियो में। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि आखिरकार जो भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच में तीसरा टेस्ट मुकाबला खेला जाने वाला है तो उस मुकाबले के लिए कौन सी भारतीय प्लेइंग 11 टीम आप सभी को मैदान पर नजर आने वाली है। जी हाँ दोस्तों, तो ऐसे में जानेंगे कि आखिरकार बीसीसीआई ने जो नई भारतीय टीम का ऐलान किया है उसमें कौन कौन से खिलाड़ियों को मौका दिया गया है और कौन कौन से जाने माने खिलाड़ियों को बाहर किया गया है, तो उसके बारे में पूरी डिटेल जानकारी आपको इस वीडियो में हम बताने वाले हैं। तो आप सभी बिल्कुल बने रहिएगा अंत तक इस वीडियो में। और वहीं दोस्तों यहाँ पर हम आपको क्रिकेट जगत से जुड़ी जो काफी कुछ बड़ी बड़ी खबरें निकल कर आ रही हैं उनके बारे में भी बताएंगे। जैसे कि जो दूसरी बड़ी खबर के बारे में हम बात करेंगे वो ये होगी कि विराट कोहली की बड़ी मुश्किलें, बीसीसीआई पर लगा ये बड़ा आरोप जिसको जानने के बाद पूरा देश लुटा। तो दोस्तों इस दूसरी बड़ी खबर को जाने बिना आप भी कहीं भी मत जाइएगा। और वहीं जो तीसरी बड़ी खबर के बारे में हम बात करेंगे वो ये होगी कि तीसरे टेस्ट मुकाबले से पहले ही उमेश यादव आए भारत तो हो गया ये बड़ा बवाल, अब उमेश यादव को नहीं दी जाएगी टीम में जगह। तो दोस्तों इस बड़ी खबर के बारे में भी जानेंगे। तो आप सभी इन तीनों ही खबरों को जानने के लिए बिल्कुल बने रहिएगा अंत तक इस वीडियो में। और वहीं दोस्तों अगर आप भी चाहते हो कि भारतीय टीम तीसरा टेस्ट मुकाबला जीते तो आप अभी इस वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा। और दोस्तों आज के इस वीडियो का लाइक टारगेट हमने रखा है बस मात्र 500 लाइक्स का, तो आप अभी इस वीडियो को जरूर लाइक करना। और अगर आप भी हमारे चैनल आरएस न्यूज पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल की घंटी को भी जरूर दबाइएगा। तो चलिए अब आपका ज्यादा समय ना लेते हुए बात करते हैं इस पूरी खबर के बारे में। दोस्तों जैसे कि आप सभी को बताएगी भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच में जो चार टेस्ट मैचों की सीरीज खेली जा रही है उसके दो मुकाबले खेले जा चुके हैं, जहां पर इस बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी का पहला मुकाबला ऑस्ट्रेलिया की टीम ने अपने नाम किया था, तो वहीं दूसरे टेस्ट मुकाबले में भारतीय टीम ने दमदार प्रदर्शन कर इस टेस्ट मुकाबले को जीता था। तो ऐसे में दोस्तों अब इस सीरीज में एक एक की बराबरी भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच में हो गई है, जहां पर एडिलेड के मैदान पर अपमानजनक तरीके से हारने के बाद भारत ने मेलबर्न के क्रिकेट ग्राउंड पर काफी जबरदस्त वापसी करी, जहां पर अजिंक्य रहाणे की कप्तानी में भारतीय टीम का पलड़ा दोनों ही पारियों में काफी ज्यादा मजबूत दिखाई दिया। और ऐसे में मेलबर्न का क्रिकेट ग्राउंड अब भारतीय टीम के लिए सबसे सफल विदेशी ग्राउंड बन चुका है और ऐसे में भारतीय टीम ने यहां पर सबसे ज्यादा मुकाबले जीते, तो जिसके चलते अब हर किसी की निगाहें तीसरे टेस्ट मुकाबले पर होने वाली है। जी दोस्तों हम आपको बताएं कि तीसरा टेस्ट मुकाबला सिडनी के क्रिकेट ग्राउंड पर खेला जाने वाला है जो कि ऑस्ट्रेलिया की टीम के लिए काफी ज्यादा लकी है, तो जिसके चलते भारतीय टीम का जीतना काफी ज्यादा मुश्किल होगा सिडनी के क्रिकेट ग्राउंड पर। लेकिन हम आपको बताएं कि बीसीसीआई ने जो भारत की प्लेइंग 11 टीम चुनी है सिडनी क्रिकेट ग्राउंड के लिए, तो प्लेइंग 11 टीम में इतने खतरनाक खिलाड़ियों को मौका दिया गया है तो भारतीय टीम तीसरा टेस्ट मुकाबला जरूर जीत सकती है। जी हाँ हम आपको बताएं कि तीसरा टेस्ट मुकाबला 7 जनवरी से खेला जाएगा और आप सभी इस मुकाबले की लाइव स्ट्रीमिंग सुबह 5 बजे से अपनी टेलीविजन स्क्रीन पर देख सकोगे। तो वहीं दोस्तों अब आगे बढ़ते हैं हम बात करने की आखिरकार तीसरे टेस्ट मुकाबले के लिए बीसीसीआई ने क्या प्लेइंग 11 टीम का ऐलान किया उसके बारे में। तो यहाँ पर पहले हम जानते हैं कि किन किन गेंदबाजों को भारतीय टीम में मौका दिया जा रहा है। जी हाँ दोस्तों भारतीय टीम में अब आप सभी को उमेश यादव की जगह पर टी नटराजन खेलते हुए नजर आने वाले हैं। तो ऐसे में पहला बड़ा बदलाव तो भारत की टीम में टी नटराजन को खिलाने के साथ ही शुरू होता है। तो वही बात करें बाकी के गेंदबाजों की, तो बाकी के गेंदबाजों में रविंद्र चंद्रन अश्विन का नाम आता है, फिर आते हैं मोहम्मद सिराज और फिर आते हैं जसप्रीत बुमराह। तो ऐसे में दोस्तों भारत की तरफ से ये गेंदबाज आप सभी को तीसरे टेस्ट मुकाबले में दिखाई देंगे। तो वही दोस्तों बात करें ऑलराउंडर की, तो दोस्तों ऑलराउंडर में इस बार एक बार फिर से रविंद्र जडेजा पर भरोसा जताया गया है और उन्हें टीम में शामिल किया गया है। तो वही बात करें आगे बढ़ते हुए मिडिल ऑर्डर की, तो मिडिल ऑर्डर में दोस्तों इस बार आप सभी को तीसरे नंबर पर चितेश्वर पुजारा खेलते हुए नजर आने वाले हैं। तो वही चौथे नंबर पर अजिंक्य रहाणे का नाम रखा गया है, वही 5वें नंबर पर केएल राहुल खेलते हुए नजर आएंगे, तो वही 6वें नंबर पर ऋषभ पंत को टीम के साथ जोड़ा गया है। तो वही चलिए अब आगे बढ़ते हुए हम बात करते हैं ओपनिंग साझेदारी की, तो दोस्तों जो ओपनिंग साझेदारी अब करेंगे उसमें मयंक अग्रवाल की जगह पर रोहित शर्मा वापसी कर रहे हैं और जहां पर रोहित शर्मा और शुभमन गिल मिलकर आपस में तीसरे टेस्ट मुकाबले में आप सभी को ओपनिंग करते हुए दिखाई देने वाले हैं। तो ऐसे में दोस्तों यहां पर बीसीसीआई ने काफी ज्यादा मजबूत भारत की टीम का ऐलान किया है, जिसको देखकर हर किसी को लग रहा होगा कि अब भारतीय टीम ही जरूर तीसरा टेस्ट मुकाबला जीतेगी। लेकिन अब आप हमें नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए कि आपको क्या लगता है, क्या तीसरा टेस्ट मुकाबला भारतीय टीम इस प्लेइंग 11 टीम के साथ जीत पाएगी या फिर नहीं। आप अपनी कीमती राय और विचार हमें नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं हम बात करते हैं अगली खबर के बारे में। जो अगली बड़ी खबर निकल कर आ रही है वो ये है विराट कोहली से विवादों में बीसीसीआई पर लगा भेदभाव का ये बड़ा आरोप। जी हाँ दोस्तों भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच खेली जा रही बॉर्डर गावस्कर टेस्ट सीरीज के बीच कप्तान विराट कोहली को अपने बच्चे के जन्म को लेकर पहले मैच के बाद सीरीज को छोड़कर भारत लौटना पड़ा और ऐसे में फैंस को उम्मीद थी कि वह नए साल के मौके पर विराट कोहली के रूप में पहले भारतीय खिलाड़ी मिलेंगे जो कि पिता बनने की खुशखबरी देंगे। हालांकि नए साल के पहले दिन फैंस को उमेश यादव ने खुशखबरी देते हुए पिता बनने की खबर दी। जी हाँ दोस्तों बीसीसीआई ने उमेश यादव को पिता बनने के लिए सोशल मीडिया पर बधाई भी दी। तो वही
उल्लेखनीय यह है कि उनकी पत्नी तान्या वाधवान ने एक बेटी को जन्म दिया है। हालांकि उमेश यादव के पिता बनने के बाद फैंस ने कप्तान विराट कोहली को ट्रोल करना शुरू कर दिया, जिसके चलते कप्तान विराट कोहली इन मीमर्स के विवादों में फंस गया। और वहीं दूसरी तरफ बीसीसीआई पर भी भेदभाव का आरोप लगाते हुए कहा जा रहा है कि टी नटराजन आईपीएल के दौरान पिता बने थे और अपनी बेटी से मिलने का उन्हें मौका भी नहीं मिला और वो नेट बॉलर के रूप में टीम से जुड़े थे। वहीं अब जब उमेश यादव की पत्नी ने बच्चे को जन्म दिया तो वो अपने परिवार के साथ नहीं थे। इसमें दोस्तों इन्हीं सब चीजों को लेकर लोग बाग इन्हें काफी ज्यादा ट्रोल कर रहे हैं, लेकिन आप क्या मानते हो, क्या लोग बाग बिल्कुल सही कर रहे हैं या फिर गलत? आप अपनी कीमती राय और विचार हमें नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो चलिए आगे बढ़ते हम बात करते हैं अगली खबर के बारे में। जो अगली बड़ी खबर निकल कर आ रही है वो ये है दोस्तों, जैसे कि आप सभी को पता है कि भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच में जो 4 मैचों की टेस्ट सीरीज खेली जा रही है तो उसके 2 मुकाबले खेले जा चुके हैं, जहां पर पहला टेस्ट मुकाबला ऑस्ट्रेलिया की टीम ने शानदार प्रदर्शन दिखाते हुए जीता था, तो वहीं दूसरे टेस्ट मुकाबले में अजिंक्य रहाणे की कप्तानी में भारतीय टीम ने ऑस्ट्रेलिया की टीम को 8 विकेट से करारी हार दी, और जिसके बाद अब भारतीय टीम को तीसरा टेस्ट मुकाबला सिडनी के क्रिकेट ग्राउंड पर खेलना है। जी दोस्तों, हम आपको बताएं कि तीसरे टेस्ट मुकाबले को शुरू होने में अब बस मात्र कुछ ही दिन शेष है और ऐसे में भारतीय खिलाड़ी जमकर ऑस्ट्रेलिया के मैदानों पर पसीना बहाते हुए नजर आ रहे हैं। तो इसी बीच दोस्तों, जैसा कि आपको पता ही है कि भारतीय टीम में इस बार रोहित शर्मा की वापसी हो चुकी है और रोहित शर्मा आप सभी को तीसरे टेस्ट मुकाबले में खेलते हुए नजर आएंगे, जिसके चलते वो ऑस्ट्रेलिया के क्रिकेट ग्राउंडों की पिचों को समझने के लिए जी तोड़ पसीना बहाकर मैदान पर ही प्रैक्टिस जमकर कर रहे हैं। तो इसी बीच आज भारत ने ऐसे ही एक प्रैक्टिस सेशन में भाग लिया। आज जब मैदान पर शुभमन गिल के साथ रोहित शर्मा उतरे तो यहाँ पर शुभमन गिल आज बस मैच में, लेकिन दोस्तों अजिंक्य रहाणे 28 रन के स्कोर पर आउट होकर पवेलियन की ओर लौटते हैं। तो ऐसे में भारतीय टीम के 4 बड़े विकेट काफी जल्दी जल्दी गिरते चले जाते हैं, जिसके चलते मैदान पर अभी रोहित शर्मा और ऋषभ पंत टिके होते हैं। लेकिन दोस्तों ऋषभ पंत आज के इस मुकाबले में कुछ भी ज्यादा खास प्रदर्शन नहीं कर पाते और वो 2 रन बनाकर ही आउट हो जाते हैं। तो वहीं ऋषभ पंत के आउट होने के बाद मैदान पर आते हैं रविंद्र जडेजा। जी हां दोस्तों, जहां पर रविंद्र जडेजा तूफानी अंदाज में बल्लेबाजी करते हुए दिखाई देते हैं। जी हां, भारतीय स्क्वाड के सामने रविंद्र जडेजा और रोहित शर्मा ने आज तूफानी अंदाज में बल्लेबाजी कर ये बता दिया कि आखिरकार तीसरे टेस्ट मुकाबले में इन दोनों ही खिलाड़ियों को जगह क्यों देनी चाहिए। तो वहीं हम आपको बताएं कि आज रविंद्र जडेजा ने तूफानी बल्लेबाजी करते हुए 2 घंटे के प्रैक्टिस सेशन में 55 रन की तूफानी पारी खेली और अपनी इस पारी के दौरान उन्होंने 4 चौके लगाए। तो वहीं दोस्तों बात करें रोहित शर्मा की, तो दोस्तों रोहित शर्मा का तो क्या ही कहना, आज उन्होंने ऐसा प्रदर्शन कर दिखा दिया है जिसे देखने के बाद आप भी जरूर दंग हो जाओगे। जी दोस्तों, आज रोहित शर्मा लिया, लेकिन अब आप हमें नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए कि आपकी क्या राय है इन दोनों की ही बल्लेबाजी के बारे में, और साथ में रोहित और जडेजा की बल्लेबाजी को देखते हो आप उन्हें 10 में से कितने अंक देना चाहोगे। आप अपनी कीमती राय और विचार हमें नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। हमें उम्मीद है कि आपको दिखाई गई जानकारी पसंद आई होगी। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करना, साथ में चैनल को सब्सक्राइब करना, जिससे कि जो आगे की अपडेट होंगी वो आप सभी को सबसे पहले चैनल पर देखने के लिए मिलती रहे। तो मिलेंगे अगली और ऐसी जानकारी में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।